वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों, सभी 10th पास स्टूडेंट्स जो 11th की तैयारी करना चाहते हैं, 12th की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमने दो वीडियो रिलीज किया है, पद की पहचान 1 और पद की पहचान 2। तो पद की पहचान 1 जो है वो ओवरऑल सभी के लिए है और पद की पहचान 2 जो है वो स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी करवाया है कि IIT क्या है, नीट क्या है, थोड़ा छोटे लेवल पर हमने करवाया है। अब हम बात करते हैं, हमने उसमें कहा था कि आगे जो हम देखने वाले हैं थोड़ा सा साइंस के बारे में जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। यदि आप साइंस लिए हैं, लेते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या चलता है, आपको क्यों साइंस लेना चाहिए, ये आपके रोमांच को कैसे कई गुना बढ़ा देता है, कैसे एनर्जेटिक कर देता है, यही चीज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। क्यों हम साइंस लेते हैं, क्यों हमारा दिमाग कुछ उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो हम देखते हैं। तो दैट मीन्स आप देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, इसमें सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा वह साइंस है क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि हम खुद से पहले लें, हम लोग एक पदार्थ हैं, सजीव हैं। तो सजीव हैं उसी तरह से पेड़ पौधे हैं, वो भी सजीव हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईंट है, बल्ब है, पंखा है, ये सब क्या है, वो बोल नहीं सकते हैं, प्रजनन नहीं कर सकते, दैट मीन्स निर्जीव है। तो हमारे आसपास में हजारों की संख्या में पदार्थ भरे पड़े हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ये क्या है हम आगे बात करेंगे, मतलब ये कि छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर, आपका छोटा से छोटा पदार्थ और बड़ा से बड़ा पदार्थ। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर कहा जाए तो ये सब पदार्थ हैं, लेकिन हम अभी फिजिक्स पर गए नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास में जो अवेलेबल है पदार्थ मैटर, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप जहाँ पे बेंच डेस्क पे बैठते हैं वो हमारा निर्जीव है, आप बेडशीट पे बैठते हैं वो हमारा निर्जीव है, इसका मतलब ये है कि आप कॉपी कलम पे लिखते हैं, मोबाइल है, वो सब क्या है, हमारा निर्जीव है। इसका मतलब ये है कि हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ये पदार्थ है क्या, सजीव है क्या, निर्जीव है क्या, सजीव बना तो कैसे, हम लोग बने तो कैसे, हम लोग बने तो हमारे अंदर जो सारे पार्ट्स हैं वो फंक्शन क्या, कैसे काम करते हैं, आंख कैसे काम करता है, हाथ कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, कोई हार्ट में बीमारी होती है तो हम कौन सा दवाई देते हैं, ये सजीव के ऊपर हम फोकस करते हैं। अब उसी में एक आता है कि ढेर सारी घटनाएं होती हैं, घटना दैट कि हम जो बोल रहे हैं ये भी घटना, आप सुन रहे हैं वह भी घटना है, आप मन में गुस्सा ले आए, प्यार ले आए, वह भी एक घटना है, आप सरफेस पर चल पाते हैं वह भी घटना है, फेनोमेना है। बड़े लेवल पर जाते हैं तो हमारा बादल एक्युमुलेट होता है, एकत्र होता है और वह बारिश के पॉट में गिर जाता है, हमारा लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ जाता है, सामान लेकर के कहीं पर बमबारी कर देता है, तो कोई भी वस्तु को गिराते हैं नीचे गिर जाता है, वह भी फेनोमेना है। ठनकता है, किसी बिल्डिंग पे गिरता है, आग लगा देता है, सैकड़ों लोगों की जान ले लेता है, कोई एक्सप्लोसिव बम बनाते हैं छोटे स्तर पे करते हैं तो उससे मनोरंजन करते हैं, बड़े स्तर पर बनाते हैं तो विध्वंसकारी कर देते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं। तो ये ढेर सारे ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी के स्टडी के लिए एक नया नाम दिया गया जिसको हम लोगों ने नाम दिया साइंस। तो ये प्रकृति जो है, ये जो रचा, हम लोग प्रकृति प्रदत्त है। और बात है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताया जाता है कि फलाने बनाया, ढिमका ने बनाया वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि इस नेचर को किसने बना, लेकिन एक शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। मेरे हिसाब से मतलब एक एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स को रन कर रही है और इसी एनर्जी पे सारा कुछ टिका हुआ है। और एनर्जी का फॉर्म जो है हमारे आसपास में बेसिक रूप से कहा जाए तो 3 फॉर्म में है,
एक हीट एनर्जी के फॉर्म में, एक वेव एनर्जी के फॉर्म में और एक मैटर एनर्जी के फॉर्म में, मतलब मास एनर्जी के फॉर्म में। तो मास के अंदर भी एनर्जी है और हीट भी एनर्जी है और वेव भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये खास करके अगर हम बात करते हैं, ये एनर्जी हमारे आसपास में डिस्ट्रीब्यूट है, फैले हुए हैं। इसके स्टडी को जब हम जानकारी लेते हैं तो ये कैसे फैले हुए हैं, कैसे काम करते हैं, ये इसको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित करते हैं, इन सारी घटनाओं की जानकारी जो हम लेते हैं, ये एक लॉ पे आधारित है जिसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं। ये लॉ हम लोगों ने नहीं बनाया है, बल्कि वो पहले से बना हुआ है, उसके अध्ययन को हम लोग जारी रखते हैं। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए हो, नॉलेज के लिए हो, उसको स्टडी करते हैं और उसी स्टडी के बुक को, किताब को एक नाम दिया गया साइंस, विज्ञान। विज्ञान दैट इज साइंस, एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है नेचर को जानना। दैट मींस नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और वही हमारा क्या कहलाता है, साइंस। तो दैट मींस कि अगर हम साइंस का स्टडी कर रहे हैं तो किस लेवल पर करते हैं, किस आधार पर करते हैं। तो कहता है कि अगर हम साइंस का स्टडी कर रहे हैं तो हम दो तरीके से करते हैं, एक थ्योरी के आधार पर और एक प्रैक्टिकल के आधार पर। तो दैट मीन्स साइंस का मीनिंग क्या हो गया, नेचर, या स्टडी ऑफ नेचर कर देते हैं इसको, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट में बोल सकते हैं कि व्हाट इज साइंस, तो स्टडी ऑफ नेचर इज योर साइंस। लेकिन इसको थोड़ा और स्टाइल मार के अगर हम बात करना चाहें तो स्टडी ऑफ नेचर जो हम करेंगे वो दो लेवल पर बेसिक रूप से करते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब एक सैद्धांतिक तौर पे, सिद्धांत के आधार पर, और एक प्रयोग के आधार पर। जब आप इस दोनों के आधार पर कर लेते हैं किसी लॉ के बारे में, किसी नेचुरल फेनोमेना के बारे में, तो वह आपका परिपक्व हो जाता है। अब आप देखिए कि थ्योरी क्या है। थ्योरी के आधार पर जो हम किसी नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब क्या, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैडल मारते हैं, साइकिल चलता है। तो हम लोगों के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो जब पैर हमारा चलता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में मदद करता है, और जब पैडल हमारा चलता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी आया, मतलब वहां पे पैडल घूमा, और जैसे ही पैडल घूमा, फ्लाइव्हील घूमा, उससे रिलेटेड चेन घूमा, और चेन घूमने से हमारा चक्का क्या होने लगा, घूमने लगा। तो अब हमारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, मैकेनिकल एनर्जी में, और वही मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो गति प्रदान कर सकता है, ये सीधा सोचना है। अब हमारी एनर्जी गति भी प्रदान कर सकती है, तो हमारा एनर्जी अब जब चला गया, गति के दौरान चला गया, तो साइकिल के पास तो एनर्जी गति वाला था नहीं, वो तो रुकने वाला था एनर्जी। अब हमने एनर्जी दिया तो हमारा एनर्जी तो घटेगा, और यही बात वजह है कि हम लोग जब चलते हैं तो वहां पे एनर्जी का डिक्रीजिंग होता है, और वही एनर्जी हम लोग वापस लेते हैं। कहां से लेते हैं, तो वापस लेते हैं हम लोग खाना के रूप में, और भी कई फॉर्म है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से, वापस सराउंडिंग को ही देते हैं। अगर सिर्फ लेते ही रह गए तो फिर डैमेज हो जाएंगे, और सिर्फ देते भी रह गए तो भी डैमेज हो जाएंगे। तो ये नेचुरल फेनोमेना जो है एक लॉ पे आधारित है, ये जो प्रकृति है एक लॉ पे आधारित है जिसको हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, तो थ्योरी के आधार पर और एक प्रैक्टिकल के आधार पर। थ्योरी का मतलब जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ये सारा कुछ थ्योरी के अंदर आ गया हमारा। प्रयोग का मतलब हो गया है उस लॉ को हम प्रैक्टिकली लैब में उसको सत्यापित करने की कोशिश करते हैं कि तब जाकर के वहां से ये भाषा आए, या भाषा से प्रैक्टिकल आएगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, या तो पहले प्रैक्टिकल आएगा फिर थ्योरी आएगा, या तो पहले थ्योरी आएगा फिर प्रैक्टिकल आएगा। ढेर सारे इसमें इतिहास, ज्योग्राफी हैं, वो सब हम बाद में जिक्र करेंगे।
फिलहाल हम बात कर रहे थे कि स्टडी ऑफ नेचर, तो नेचर का स्टडी करने का हमारे पास कितना तरीका हो गया, दो तरीका, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। अब कहता है कि हम इसको अगर और अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज कॉल्ड साइंस। ये थोड़ा और अच्छा लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ, या इसको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, नेचर नेचुरल फेनोमेना, फेनोमेना मतलब प्राकृतिक घटना, एंड इट्स लॉज, एंड इट्स लॉज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल इज कॉल्ड साइंस। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन, नेचुरल फेनोमेना प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, एंड इट्स लॉज इसके नियमों का अध्ययन, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रयोग और सिद्धांत के आधार पर करना, इज कॉल्ड साइंस, साइंस कहलाता है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रकृति, प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं एवं एवं इसके नियमों, इसके नियमों का अध्ययन, का अध्ययन प्रयोग एवं सिद्धांत के आधार पर करना, प्रयोग एवं सिद्धांत के आधार पर करना ही विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि साइंस जब आप लेते हैं तो उसमें मोस्टली आपका जो पार्ट होता है वो होता है तीन पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल, और बायोलॉजी में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल। हालांकि प्रैक्टिकल और भी सब्जेक्ट में होते हैं, होम साइंस में भी होता है, लेकिन वहां पर हम लोग एक घरेलू मैटर के बारे में जिक्र करते हैं, इसलिए उसको साइंस, होम साइंस यानी घर के साइंस। तो साइंस का मतलब कुछ और होता है, विशेष अध्ययन वो बोला जाता है, लेकिन बेसिकली साइंस का जो स्टडी होता है वो नेचर का स्टडी होता है, वो अलग साइंस होता है। हम लोग साइंस का मतलब कुछ और मतलब ब्रॉड करते हैं कि किसी भी चीज़ का ब्रॉड अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इसलिए साइंस वर्ड जिसमें लगा दिया मतलब समझिए ब्रॉड, इसका मतलब ये है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। तो स्टडी ऑफ नेचर किसके आधार पर किए, थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार पर किए। और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ स्टडी करते हैं, तो नेचर का स्टडी करते हैं, नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करते हैं, और इसके लॉज का, इट्स लॉज का स्टडी करते हैं। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज कॉल्ड साइंस, यानी प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं एवं इसके नियमों का अध्ययन प्रयोग एवं सिद्धांत के आधार पर करना ही विज्ञान कहलाता है। अब है एक्साइटमेंट ऑफ साइंस, एक्साइटमेंट ऑफ साइंस मतलब साइंस आखिर हमको क्या एक्साइटमेंट देता है, तो हम अगले वीडियो में आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस को लेकर कि एक्साइटमेंट ऑफ साइंस क्या होता है, यानी आपको ये एक्साइटेड क्यों करता है, फिजिक्स क्यों अट्रैक्ट करेगा, केमिस्ट्री क्यों अट्रैक्ट करेगा, बायोलॉजी क्यों अट्रैक्ट करेगा, ये एक्साइटमेंट ऑफ साइंस होगा। अब तीनों मिल के आपको खींचने का कोशिश करेगा कि भैया तू इधर आ जा स्टडी कर, मतलब ये स्टडी कर, ये ऐसा नहीं कि आपको बुलाएगा तब आएगा। एक तो ये तरीका है कि हमारा प्रोसेस अभी जो चल रहा है एक मतलब कि जॉब सर्च के लिए, अर्निंग के लिए,
जो कि हमारा एक जरूरी पार्ट बन चुका है, अर्निंग मनी जो है, मनी अर्निंग जो है, ये हमारा पार्ट बन चुका है लाइफ का, तो उसके लिए भी हम साइंस को स्टडी करने के लिए जुड़ते हैं। लेकिन अगर भावनात्मक रूप से अगर हम उसमें जाते हैं फिर उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। अगर आप मनी अर्निंग के लिए इसमें इंटरेस्ट होते हैं तो एक नौकर बनकर रहते हैं जिसका अवकाश सिर्फ कुछ सालों तक रहेगा। लेकिन अगर बाय इंटरेस्ट आप आते हैं तो फिर आप सालों साल चलिएगा। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप कहीं पर जॉब लेकर के घुस जाते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं सरकारी के अंदर, केंद्रीय के अंदर या फिर गूगल के अंदर किसी कंपनी में जाते हैं, तो जब तक आप हैं आपका इतिहास है उस कंपनी में, उस हिस्से में आपका नाम है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन, आइंस्टीन साहब, न्यूटन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सीवी रमन साहब, ये सारे जो काम करके गए हैं, जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका नाम अमर रहेगा। तो ये जो पार्ट है अलग चीज होता है, क्योंकि नेचर जो है ये शाश्वत है, अरब खरब साल से चलेगा, सारे चीज बदलेंगे, ये प्रकृति नहीं बदलेगी, इसके लॉज वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हीट का मतलब कॉन्सेप्ट भले ही हमारे लिए कुछ देर के लिए गलत या सही हो सकता है, हमारा प्रैक्टिकली अगर गलत आ गया तो हम गलत कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, हम बहुत सारा चीज देखेंगे कहाँ पे गलत हुआ कहाँ पे सही हुआ। तो अगर सही कॉन्सेप्ट अगर वास्तव में हमने साइंस के स्टडी को कर लिया तो वो आज भी वही रहेगा, 10,000 साल भी वही बाद वही रहेगा, 1,00,000,000,000 साल बाद भी वही रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जब आप बाय इंटरेस्ट आते हैं, कुछ अलग मिशन लेकर के आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आता है, कुछ नया जोश आता है करने का। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्साइटमेंट ऑफ साइंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।